वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। इतनी तेजी से मोटरसाइकिल से गिरने के बाद भी जो है ना बंदूक उनके चिपका ही रहा। कौन सा भाईचारा, जब कार सेवकों पे गोली चला रहे थे तब कहाँ गया था भाईचारा? बार बार भगवान का नाम ले लो, एक तुच्छ माफिया से दर्द इन्हीं को होता है और किसी को होता नहीं। बात आती है तब तब आप लोगों को दर्द होता है। जहाँ जनता खुशी होती वहाँ आपको दर्द होता है। उमेश पाल के घर गए नहीं गए? क्यों? आप यहाँ से निकलेंगे नहीं जब तक आप दिखाएंगे? ठीक है। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है मेरे चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और वीडियो होने वाली बहुत ही शानदार। वीडियो थोड़ी पुरानी है लेकिन बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि जो शोएब जमई और घनश्याम तिवारी अतिक अहमद को डिफेंड करने के लिए बार बार आ रहे थे, जब उनका इनकाउंटर हुआ तभी ऑडियंस ने उन्हें कितनी अच्छी तरीके से धोया, आज इसी पर हम डिबेट देखने वाले हैं। आज की डिबेट बड़ी फनी एंड मज़ेदार होने वाली, आप प्लीज़ ये डिबेट को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक आपने गाना सुना होगा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। ठीक है, ये कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन इनको छोड़कर कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, उदय भान सिंह 83 मुकदमे, ये 108 लोगों की माफियाओं की लिस्ट है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में भाजपा के राजनीतिक संरक्षण में पल रहे हैं और पोषित हो रहे हैं और खूब मजे लूट रहे हैं। ना उनके घर बुलडोजर चलेगा, ना उनका इनकाउंटर होगा। इन पे किस कैसे केस है मालूम? बलात्कार, हत्या, डकैती, ऐसे संगीन मामले हैं। अगर माफियाओं को लेकर आप इतने ही सीरियस होते तो इन माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? नाम सुन रहे हैं सिंह 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 सिंह, कह रहे हैं कि यहां से कि दो लोग मोटरसाइकिल में बैठ के जा रहे थे और पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए और फिर वो गिर गए। अच्छा, कमाल का उसके हाथ में चुंबक लगा हुआ था दोनों असद और गुलाम के, कि इतनी तेजी से मोटरसाइकिल से गिरने के बाद भी जो है ना बंदूक उनके चिपका ही रहा, हटा नहीं, छिटका नहीं। और वो तस्वीर है, आप देख रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है, ये तस्वीर खुद इस फेक इनकाउंटर की कहानी बयान कर रही है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये शेख भाई साहब है, शेख अपनी रगों का क्या करे, शेख अपनी नसों का क्या करे, मजहबी झगड़ा भूल जाए तो अपने पेशे का क्या करे। शर्म आती है मुझे कि अगर अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक और मुस्लिम स्कॉलर करके मैं उन पुलिस वालों को भूल जाऊं कि हाँ, और उस व्यक्ति को बचाव करूं जिसने दो पुलिस वालों को मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा। मुझे शर्म आती है कि मैं अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर कहूं और पुलिस एनकाउंटर के नाम पे मैं भाजपा और बाकी शासन को क्लेम करूं। जब और कौन सा भाईचारा, जब कार सेवकों पे गोली चला रहे थे तब कहां गया था भाईचारा? कौन सी झूठे एनकाउंटर और भाईचारे की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव? क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं वो, रामगोपाल यादव जी। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि दो दिन में योगी सरकार अतीक के बेटे का इनकाउंटर कर। और क्या ये सच नहीं है कि अतीक अहमद, क्या ये सच नहीं है अतीक अहमद माफिया है? और ये भी बोल दो ये भी झूठ है, और उसने खुद ही कबूल करा है कि वो आईएसआई और तालिबान लश्कर से उसके सीधे संबंध है, तो ये भी बोल दो झूठ है। और रही और अतीक जैसो को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, यूपी की गद्दी पर बैठा, बाप तुम्हारा योगी है। आपने बोला ये बोल दो, ये अब तक भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पाई कि जेल से उसे लोकसभा का चुनाव जिस सीट पर उप मुख्यमंत्री ने रिजाइन किया हो क्यों लड़ाया, वो माफिया था क्यों लड़ाया। दूसरी, बीजेपी ने टिकट दिया थी मार्च 2018 को टाइम्स ऑफ इंडिया के हेडलाइन। अरे सर, आप कुछ भी कहीं से कोट कर दीजिएगा, गूगल कर लीजिए, आपके पास गूगल करके एक आर्टिकल को कैसे सही मान लिया जाए? अरे ये क्या बकवास है, जब टिकट नहीं दिया तो चुनाव लड़ा, ये क्या बकवास कह रहे हैं आप? अरे चुनाव लड़ा, जी हाँ, सवाल बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ा। जो मेरी बात है उसे सुनिए, सुनिए, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से बात नहीं होती है। टिकट नहीं लड़ा ना, चुनाव नहीं लड़ा ना, बीजेपी के टिकट पर लड़ा, फूलपुर का लोकसभा का उपचुनाव लड़ा था और हेडलाइन थी कि भारतीय जनता पार्टी का हनुमान बनेगा अतीक अहमद। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अभी इन्होंने एक तुच्छ माफिया से हनुमान जी की तुलना की, दो मैंने की? हाँ, 10 बार आपने कहा अखबार का नहीं है। आप पहली चीज भगवान का नाम लेना बंद करिए। दूसरी बात, अभी शोएब जी ने कहा, सवाल पूछिए आप इतने उत्तेजना में क्यों? बार बार भगवान का नाम ले लो, एक तुच्छ माफिया से दर्द इन्हीं को होता है और किसी को होता नहीं है। जनता खुश है लेकिन आपको दर्द हो रहा है, जनता खुश है लेकिन आपको दर्द हो रहा है। अखबार में जो हेडलाइन थी मैंने उसे पढ़ा, पूछ ले, जो अखबार में पढ़ा था ये पूछ नहीं रहे, आरोप लगा रहे हैं, ये पूछ नहीं रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। मेरा सवाल शोएब जी से,
है कि इन्होंने कहा कि सिंह 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 धनंजय सिंह सोनू सिंह थोड़ा पढ़ लिया करिए कि सभी के ऊपर कार्रवाई हुई। धनंजय सिंह भी जेल गया था, धनंजय सिंह भी जेल गया था, सोनू सिंह भी जेल गया था। अभी इनके विधायक ने बोला 51 लाख देता है, किसे देता है? आप देते हैं उसको, ये देते हैं, इसी से ले लीजिएगा। अरे सवाल तो पूछ दीजिए, एक जाति विशेष का नाम लिया गया, एक जाति विशेष का नाम लिया गया, माफिया। सुनिए सर, माफिया सुनिए, जब जब माफिया अपराधी की बात आती है तब तब आप लोगों को दर्द होता है। जहाँ जनता खुशी होती वहाँ आपको दर्द होता है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ जहाँ जनता को दर्द होता है, क्या बात करते हैं? सुनिए, जब अतीत की बात आती है, मुख्तार की बात आती है, जितने भी सवाल कोशिश करने की बात आती है, आपको दर्द होता है। कभी उमेश पाल के घर गए? सवाल करिए सर, सवाल कीजिए, सवाल कीजिए, सवाल ही करा कीजिए। अखिलेश यादव का अंदाज नहीं है, अखिलेश यादव नहीं, आप बताइए, अखिलेश यादव कभी उमेश पाल के घर गए? नहीं गए। क्यों 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 गुंडे गुंडे के लिए भाईचारा, माफियाओं के लिए भाईचारा। इस देश में हर नेता हर किसी घर जाएगा, ये बताइए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अभी इतना बड़ा एक लिस्ट गिनाया सिंह सबका। सर मुझे बस एक चीज आप बता दीजिए कि आपको इस बात की खुशी नहीं है कि एक आतंकवादी का एनकाउंटर किया गया, जिसको आप प्रूफ चाहिए कि हाँ एनकाउंटर किया गया है कि नहीं, वो भी फेक किया गया है, तो आपको इस वक्त का खुशी नहीं है कि किसी आतंकवादी को मारा गया है? क्यों सिर्फ असद का एनकाउंटर हो गया इसलिए मैं इन माफियाओं पर सवाल पूछना छोड़ दूं? इसलिए ये माफिया सब दूध के धुले हो जाएंगे बिकॉज योगी जी ने असद का एनकाउंटर कर दिया। जो यहाँ से इनके पार्टी के मंत्री हैं किरण रिजिजू ने प्रयागराज में जाके कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन होते हैं यहाँ से फैसले लेने वाले, हम हैं यहाँ से, उनको वो तो एंटी नेशनल है। आप सुप्रीम कोर्ट के किरण रिजिजू ने कि जज एंटी नेशनल है, बिल्कुल बोला यहाँ से, आप झूठ बोल रहे हैं, फेक न्यूज है, लेट्स फ्लैग दिस, आप गलत बोल रहे हैं। आप दिखाइए मुझे बयान उनका, आप यहाँ से निकलेंगे नहीं जब तक आप दिखाएंगे, ठीक है? आप गलत न्यूज नहीं बताएंगे। उम्मीद है आपको ये डिबेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये डिबेट पसंद आई है तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।